हेलो दोस्तों, रितु किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर टिक्का बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम पनीर है जिसे हमने काट लिया है। ये एक प्याज है जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये एक शिमला मिर्च है। ये 2 चम्मच बेसन है। ये 2 चम्मच दही है। ये फ्रूट कलर है। एक चम्मच हम देगी मिर्च मिलाएंगे। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच भुना हुआ जीरा। एक चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच चाट मसाला। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने चाट मसाला मिलाया है, उसमें भी नमक होता है। कसूरी मेथी। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह। थोड़ा सा इसमें फ्रूट कलर मिलाएंगे और मिलाएंगे इसे अच्छी तरह। देखिए पेस्ट बना लिया हमने। इसमें बेसन डाल देंगे। ये सरसों का तेल लिया हमने 2 बड़े चम्मच। इसको पहले जला लेंगे, फिर इसे थोड़ा सा गर्म रहने देंगे। इसे हम गैस पे गर्म कर रहे हैं। बेसन भी डाल दिया हमने। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। चलाएंगे इसे। ये सरसों का तेल है जो हमने जला लिया है, इसको भी डालेंगे इसी में। तेल भी हमने अच्छी तरह मिला लिया है। इसके बाद आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला है हमने, इसे भी मिला देंगे। अब पनीर मिलाएंगे इसमें। सब मिला देंगे, शिमला मिर्च भी, प्याज भी। चलाएंगे इसे। देखिए मसाला हमने मिला दिया है। अब इसे स्टिक पे लगाएंगे। ये स्टिक है हमारी, इसमें एक आलू लगा देंगे पहले ताकि हमारा पनीर हिले ना। शिमला में इस तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने पनीर टिक्का लगा दिया 3 स्टिक में। अब हम इसे नॉन स्टिक में पकाएंगे।
देखिए थोड़ा सा मक्खन लगाया हमने नॉन स्टिक तवे में, इसे गर्म होने देंगे। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस तरीके से पकाएंगे इसे। ये आधा किलो पनीर था, पहले 250 ग्राम मुझसे निकल गया, आधा किलो पनीर है ये। अब इस तरीके से पकाएंगे। देखिए ये अच्छे से सिक रहा है नॉन स्टिक तवे में। देखिए इस तरीके से सेक रहे हैं हम इसे, इस तरीके से इसको पलटेंगे। दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ये जब हमने मसाले का पेस्ट बनाया था दही का, उसमें हमने एक नींबू भी निचोड़ा था जो हम आपको दिखाना भूल गए, इसमें एक नींबू भी निचोड़ना है। और इस तरीके से सेकेंगे इसे। देखिए इस तरीके से सेक लिया हमने, ये बन के तैयार है। अब इसे थोड़ा साइड में करेंगे। थोड़ा इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करेंगे सारे स्टिक को। दूसरी स्टिक भी इसी तरीके से करेंगे। पनीर टिक्का बनके तैयार है हमारा। ये हरे धनिया की चटनी बनाएंगे। ये आधी कटोरी धनिया है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच चाट मसाला और आधी कटोरी से भी कम इसमें पानी है। इसे हम पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। ये तवे में हमने नॉन स्टिक तवे में इनको रख दिया और इसे हल्की आँच में सेकेंगे इन्हें और फिर पलट देंगे। इस तरीके से भी बन सकता है अगर आप स्टिक में ना बनाएं तो। एक ये तरीका है। अब आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए पनीर टिक्का बनके हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू।